बीजेपी आगामी निकाय चुनाव में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देगी। इसका फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेतृत्व से बैठक के बाद लिया। बैठक में पार्टी के लिए अधिकतम जीत प्रतिशत सुनिश्चित करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक नेतृत्व ने मंत्रियों से फीडबैक भी लिया और उन्हें बहुमूल्य सुझाव भी दिए। बीजेपी नेतृत्व का स्पष्ट कहना था कि किसी भी सांसद, विधायक और मंत्री को अपने परिजनों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। ये यूपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के लिए एक बड़ा झटका है, जिनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता प्रयागराज की निर्वर्तमान मेयर है। इसी तरह उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक लखनऊ में मेयर पद के लिए अपनी पत्नी नम्रता पाठक को मैदान में उतारना चाहते हैं। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जिलों के प्रभारी मंत्री भी अपने अधिकार क्षेत्र में पार्टी के संगठनात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों से मतदाता को अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्रियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजेपी स्थानीय निकाय चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जीतने योग्य उम्मीदवारों को टिकट सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों की होती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभारी ये भी सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को टिकट मिला है उन्हें पार्टी की जीत के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाए। मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि उनके पास न केवल उन जिलों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है जिनके वो प्रभारी है, बल्कि उन पर उनके मूल जिलों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्टी 17 नगर निगमों समेत सभी 762 शहरीय स्थानीय निकायों में जीत हासिल करे।